हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। इस आयोजन की शोभा में जो चार चांद श्री जितेंद्र सिंह भैया जी ने लगाए हैं और इनके परम मित्र हैं दिनेश सोनदी जी भी, पिंकी सोनदी जी भी, ये सभी रोहिणी में कार्यरत आज अपने आप में बहुत ही अच्छा संगठन, बहुत ही परम मित्र, आप सभी का एक बार में हार्दिक अभिनंदन। कुश्ती का समय 5 मिनट है और इसके जो रेफरशिप कर रहे हैं विचित्र कोच साहब हैं डॉसी साहब। मैं आप सबको जानकारी के लिए बताऊंगा कि प्रसिद्ध समाज सेवी सोन हेलो भाई, जितने भी कोच हैं एक बार बाहर हो जाओ, ए टू जेड चाहे कोई भी है सब बाहर हो जाओ प्लीज। जोड़ के रिक्वेस्ट है, टीवी एक ही रहेगा और सब बाहर हो जाओ बस जाओ। भाई चौगा पहलवान की एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, आप सभी शांति का योगदान दें और बैठ जाएं। भाई आपके सामने बहुत अच्छी अच्छी कुश्तियां होंगी और आप व्यवस्था को खराब ना करें। आप अपने सामने देख लीजिएगा, आपसे सभी बड़े छोटे कोई है अनुशासन से बाहर, आप सभी पढ़े लिखे आपके लिए ये कुश्तियां करवाई गई है। इससे हमारे भारत आप गौरव है, सुने ना मदीना होगी तैयार रहे दोनों लड़कियां। इतने अच्छे दंगल में आप इस आयोजन की शोभा है, मेरे भाई हैं आप सभी, आदरणीय हैं आप सभी, अपने माता पिता की बहुत अच्छी संतान है, अपने गांव की शान है, अपने जिले की भारतवर्ष की भी शान है। आने वाले समय में आप ही तिरंगा लहराएंगे, कृपया करके आप सभ्यता में रहिए, संस्कृति में रहिए, आप अच्छे हैं अच्छे पड़के भी दिखाइए। मैं बार बार आप नमस्कार करता हूँ, निवेदन करता हूँ, कृपया करके एक मिनट के लिए आरती ईश्वर अखाड़ा रोहतक अनीता सातरुली दोनों ही महिला पहलवानों से मेरा निवेदन हो तैयार होगा अखाड़े के पास रहे। इसके बाद होगी सुनैना दैया हनी मदीना, ये भी तैयार रहे। मैं बताऊंगा कि इन जो लड़कियों की कुश्ती इसका समय होगा 5 मिनट और कुश्ती होगी आर पार। बार बार नमस्कार करता हूं अपने सभी दर्शकों को, कितने शांति प्रिय, कितने कुश्ती प्रेमी, किसी की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही है, दो फीट से कड़ी दूर में भी इस आयोजन की शोभा बढ़ा रहे हैं। मैं आप सभी दर्शकों का बार बार स्वागत करता हूं, बार बार अभिनंदन करता हूं, बार बार आपको नमस्कार भी करता हूँ। बहुत ही अच्छा आयोजन आप सभी के सामने, ये इनका पहला आयोजन है, देख देख के सीखता ही रहता है आदमी। आने वाले समय में और भी अच्छे अच्छे आयोजन, बहुत अच्छे अच्छे आयोजन आपको देखने के लिए मिलेंगे। अभी जोगा पहलवान ने बताया है कि प्रवेश मान जो कि आज के दंगल के मुख्य अतिथि हैं, दंगल कमेटी और जोगा पहलवान उनका सम्मान करना चाहती है। मैं प्रवेश मान से निवेदन करूंगा कि जोगा पहलवान चाहते हैं कि जोगा पहलवान उनके साथ एक बार दंगल का राउंड लगाएंगे और ढोल मास्टर से मेरा निवेदन वो उनका स्वागत करें और दर्शकों से चाहूंगा कि तालियां बजा करके प्रवेश मान जी का धन्यवाद करें और स्वागत करें। दंगल कमेटी की तरफ से पूरे गांव हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। कुलदीप को साहब अवगत कराते रहे कुश्ती का समय, इसके बाद में होगी सुनी मदीना, 2 मिनट से कुश्ती के सम्मान करता हूँ गांव सिसाना में पहुंचने पर, धन्यवाद। आ जाओ जी एक मिनट, वजेंद्र गोयल साहब टाइम देखियो, इसका है एक लास्ट मिनट थी, वैसे तो छटवा दो अगर टाइम होगा। ये दिखला दिया है इनकी दोस्ती ने आज,
कि भाई जोगेंद्र सिंह और जो का पहलवान आप अकेले नहीं है, नरेंद्र पहलवान आपको छोड़ करके नहीं गया है, हम सभी जो आपके साथ में खड़े हुए हैं एक एक पहलवान नरेंद्र सिंह है। यही है यारी, यही है दोस्ती, यारी करो तो करो मर्द की के भी रंग यारी हो, खुद ब्यागी मैट तार दे चाहे बंद आते हैं यारी हो, माटी के माई जित में नादे रचे कितना है मर्द व्यवहारी हो, लोग यारी तो सब करते हैं कोई जितनी मंत्र जीता है। यह है दोस्ती, यह है याराना, एक दूसरे का हौसला बढ़ाना, एक दूसरे के काम आना, एक दूसरे का साथ निभाना। मैं बार बार आपकी दोस्ती को, आपकी सियारी को सलाम करता हूँ, बार बार आपका स्वागत करता हूँ, बार बार अभिनंदन करता हूँ। आपने इस आयोजन में जो चार चांद लगाए हैं, इस आयोजन की जो शोभा बढ़ाई है, उसके लिए मैं बार बार आपका आभार व्यक्त करता हूँ, बार बार आपका धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद। हमारे बीच में एक बहुत ही अनोखी महान जैसे